How will you find the work done when a variable force acts on the body? मैंने पहले ही कहा है कि अगर कांस्टेंट फोर्स लग रहा होता है तो हम ये एस देख लेते हैं और वर्क डन सिंपली एफ इन टू एस से निकाल लेते हैं। पर अगर वेरिएबल फोर्स एक्ट कर रहा है वेर एफ इज सम फंक्शन ऑफ एक्स डिस्प्लेसमेंट पे, तो फिर हमें एक छोटा सा पोर्शन डिस्प्लेसमेंट का लेना होता है और उसमें हम ये मान लेते हैं कि फोर्स चेंज नहीं हुआ। तब हम ये डायरेक्टली लिख सकते हैं छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए एफ टी एक्स, एंड देन वी कैन इंटीग्रेट बिटवीन द लिमिट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्स वन से एक्स टू। सो बाय इंटीग्रेटिंग हम इसका आंसर ले सकते हैं, लेकिन इसका आंसर इस तरह से डिटेल में दिखाना चाहिए। एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि हमारा स्प्रिंग फोर्स है वो हाफ क्यों था, वो के माइनस का के एक्स होता है। तो हमें जो अप्लाई करना पड़ता है स्प्रिंग को दबाने के लिए वो प्लस का के एक्स अप्लाई करना पड़ता है। तो अगर हमें वर्क डन निकालना है तो फिर हम अगर मान लीजिए हमें स्प्रिंग है ये ऐसे, और हमने अगर इसको फोर्स लगाया और एक्स डिस्टेंस पे हमने एक्स वन डिस्टेंस पे दबा दिया, तो जो वर्क डन होगा वो एफ इन टू डिस्प्लेसमेंट एक्स वन ऐसे नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि फोर्स आपका कॉन्स्टेंट नहीं है, फोर्स एक्स पे डिपेंड कर रहा है। जितना आप दबा रहे हो उतना उसके अकॉर्डिंग फोर्स लगता चला जा रहा है और जुड़ा हुआ है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट से, कि अगर स्प्रिंग बहुत सख्त स्प्रिंग हुई तो फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और मुलायम स्प्रिंग हुई गद्दे वाली तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा, वो अपनी जगह है। पर डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग जितना भी आप दबा रहे हो उसके अकॉर्डिंग फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। तो हम एफ इन टू यानी कि के एक्स इन टू एक्स वन ये ऐसा आंसर नहीं देते इसका। तो हम क्या करते हैं, हम छोटा सा वर्क डन निकालते हैं डी डब्ल्यू, उसमें लिख लेते हैं एफ डी एक्स। तो यहाँ रखते हैं के एक्स डी एक्स डी डब्ल्यू, और फिर हम वर्क डन निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर बाय टू अंदर लिमिट्स जीरो से एक्स वन, क्योंकि हमने एक्स वन तक दबाया था। फिर हमारा आंसर आ जाएगा के एक्स वन स्क्वायर बाय टू। तो हमें ऐसे निकालना होता है व्हेनेवर द फोर्स इज वेरिएबल।